आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इससे पहले भी हम इन सब के विषय में जानकारी हासिल कर चुके हैं। भाषा कहलाती है जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो माध्यम से करता है, भाषा के माध्यम से करता है, तो हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो माध्यम के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करता है उसी को भाषा कहते हैं। बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और व्याकरण क्या कहलाती है, भाषा के शुद्ध भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाती है। ठीक है, आज हम बारे में जानकारी इस चैप्टर में हासिल करेंगे। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वह भाषा द्वारा अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। जैसे देखिए आपकी बुक में बताया गया है, प्रियांशी कल मेरा जन्मदिन है, मम्मी पापा ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम जरूर आना है। अच्छा, पार्टी कितने बजे है? पार्टी शाम को 6 बजे से है, तुम हेमा को भी ले आना। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। अरे प्रियांशी, हेमा नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने तुम्हारे लिए इसमें शुभकामनाएँ लिखकर भेजी हैं। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। भाषा द्वारा हम न केवल अपने विचार प्रकट करते हैं अपितु दूसरों के विचार भी जान सकते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से नए विचार जन्म लेते हैं, तथा भाषा का विकास होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति अंडरलाइन कर लीजिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है वाणी। वाणी द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा का आधार होती हैं। अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए ये चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों से हम समझ सकते हैं कि हमें बाएं नहीं मुड़ना है, पैदल नहीं जा सकते, सीधे नहीं जा सकते। ये सड़क सुरक्षा के चिन्ह हैं जिन्हें हम प्रायः सड़क के किनारे देखते हैं। यह संकेतिक भाषा है, तो इसको क्या कहेंगे, संकेतिक भाषा कहेंगे। इनके द्वारा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है, अतः संकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं माना जा सकता। मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करते हैं, यही भाषा की प्रक्रिया है। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या कहलाती है, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तब उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप करना, वाद विवाद करना, कविता, पाठ, भाषण, नाटक, फिल्म, संगीत आदि में हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सूचना पट आदि में किया जाता है। जैसे अंजलि ने एक कविता लिखी, उसने वह कविता माँ को दिखाई, माँ ने कविता पढ़कर अंजलि के प्रयास की खूब तारीफ की, वह भाषा का लिखित रूप है। लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक तथा लिखित भाषा द्वारा हम भाषा के 4 कौशल सीखते हैं। मौखिक भाषा में जहाँ बोलना तथा सुनना महत्वपूर्ण है, वहीं लिखित भाषा में पढ़ना तथा लिखना महत्वपूर्ण है। विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे साहित्य क्या कहलाता है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है। ज्ञान के अंडरलाइन कीजिए, ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, इसके अंतर्गत साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। गद्य साहित्य में कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, पत्र लेखन आदि आते हैं। प्रमुख साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, निर्मला, मानसरोवर, सेवा सदन, ईदगाह, गोदान आदि, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी, कामायनी, उर्वशी, महादेवी वर्मा, गिल्लू, नीलू, गौरा आदि। पद्य साहित्य में आते हैं, इसके अंतर्गत साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है। पद्य साहित्य में तुकांत तथा अतुकांत, कविता, दोहा, चौपाई, सोठा, छंद, कुंडलियाँ आदि आते हैं। तो इसमें जैसे कबीरदास के बीजक, तुलसीदास के रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर, बिहारी का बिहारी सतसई, ये इसमें आएंगे, पद्य साहित्य में आएंगे। इसके बाद आता है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है, मानक भाषा वह भाषा होती है जो शुद्ध और परिष्कृत होती है। इसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इस कारण इस पर बोलियों और उपभाषाओं का असर पड़ता रहता है। ऐसे स्थिति में वर्णों एवं शब्दों के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध व मानक है, यह समझने में कठिनाई होती है। अतः भाषा के जिस रूप को शिक्षाविदों व विद्वानों ने मान्यता दी है, वही भाषा का
अमानक रूप कहलाता है, जिसे अमानक रूप बंदर दध ध गए नहीं, तो बंदर ऐसे लिखते हैं मानक रूप में, देखिए दत्त दे गए नहीं, इस तरह मानक रूप होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में, भाषा के अंतर्गत भाषा के सर्वमान तथा स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि मानक भाषा क्या कहलाती है। मानक भाषा सर्वमान तथा स्वीकृत रूप होती है। मानक वर्तनी संबंधी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर नहीं लिखा जाए, जैसे लड़के ने बस में आदि। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप पाई हटाकर लिखे जाए, जैसे कच्चा उल्लेख लग्न आदि। कर क्रिया जोड़कर लिखी जाए, जैसे गाकर सोकर खाकर। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे लेन देन पढ़ना लिखना। सर्वनाम के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो तो पहला अक्षर मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाए, जैसे उसके लिए उसमें से आदि। संयुक्त क्रिया पृथक लिखी जाए, जैसे खाया करता है किया करता था। संयुक्त अक्षरों में हलंत लगाकर लिखा जाए, जैसे विद्यालय द्वार आदि। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, नेपाली, असमिया, पंजाबी, बंगला, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, डोंगरी, मलयालम, संथाली, कोंकणी, मराठी, सिंधी, सैंथली, बोडो, गुजराती और मणिपुरी। मातृभाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा वह भाषा होती है, मातृ मतलब माँ और भाषा, माँ के द्वारा बच्चा जो भाषा सीखता है मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। यदि माँ बांग्ला भाषा बोलती है तो बच्चा उसमें बांग्ला सीखता है, बांग्ला ही उसकी मातृभाषा कहलाती है। इसी प्रकार यदि बच्चा अपनी माँ से गुजराती सीखता है तो गुजराती ही उसकी मातृभाषा होगी। अलग अलग प्रांत देशों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा इसी कारण भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारत में सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसे 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आता है बोली। बोली क्या कहलाती है? बोली जो है क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है, इसमें कोई सरकारी कार्य कामकाज नहीं किया जाता है। जब एक भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं। भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली में लोकगीत गाए जाते हैं, कहावतें तथा लोक कथाएँ कही जाती हैं। बोलियों का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। हिंदी की कई बोलियाँ हैं, उदाहरण अवधि, ब्रज, मगही, हरियाणवी, राजस्थानी, कुमायनी, गढ़वाली, बुंदेलखंडी आदि। जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। ब्रज और अवधि हिंदी की बोलियां हैं, पर कालांतर में वे उपभाषाएं बन गई। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास ने ब्रज भाषा में सूर सागर की तथा महाकवि तुलसीदास ने अवधि भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अवधि हिंदी की बोलियाँ, अवधि कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। हिंदी की बोलियाँ ब्रज कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। हिंदी की बोलियाँ हरियाणवी कहाँ बोली जाती? हरियाणा में। हिंदी की बोलियाँ क्या है? राजस्थानी। और कहाँ बोली जाती? राजस्थान में। कुमायनी हिंदी की बोलियाँ उत्तराखंड में बोली जाती है। बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा के निर्माण के लिए व्याकरण आवश्यक है जबकि बोली के साथ ऐसी बाध्यता नहीं है। साहित्य रचना करते समय भाषा का प्रयोग होता है जबकि बोली का लिखित साहित्य नहीं होता। लिपि, आरंभ में मनुष्य बोल लिपि क्या कहलाती है? भाषा के लिखने का ढंग जो है वो लिपि कहलाता है। तो आरंभ में मनुष्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता था, कालांतर में उसने अपने विचारों को स्थायी रूप देने तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया, जिसे चित्रलिपि का जन्म हुआ। फिर उसने मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया। भाषा के लेखन में प्रयोग होने वाली ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियाँ इस प्रकार है, देखिए, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, ये लिपि इसकी क्या है? रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और बंगला की बंगला, तमिल की तमिल, अरबी की अरबी, चीनी की चित्रलिपि और हिंदी, संस्कृत, नेपाली की देवनागरी लिपि है। ब्रह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है।
किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। अधिकांश लिपियाँ बाएं से दाएं लिखी जाती है, परंतु फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। व्याकरण क्या कहलाती है? प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट होती है। मौखिक तथा लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। व्याकरण के अंग होते हैं, व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति तथा रचना आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वाक्य विचार, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार में वाक्यों के अंग, भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। कंप्यूटर और हिंदी, आज का व्यवहार क्षेत्र निरंतर फैलता जा रहा है। इसे बोलने सीखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अतः हिंदी शिक्षण तथा अध्यापन के क्षेत्र में कंप्यूटर का भी प्रवेश हो चुका है तथा यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी के अखबार तथा पत्रिकाएँ इसके द्वारा पढ़े जा सकते हैं। अनेक ऐसी वेबसाइट है जिनसे ही हमें हिंदी साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिलती है। इंटरनेट के द्वारा हिंदी में हम ईमेल भेज सकते हैं और अपना ब्लॉग भी हिंदी में बना सकते हैं। यही नहीं, इंटरनेट के द्वारा हिंदी भाषा घर बैठे भी सीखी जा सकती है। हिंदी के विषय में कुछ विशिष्ट जानकारी। हिंदी के पहले व्याकरण की रचना डच विद्वान योन यश्वा केटलार ने की थी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा तासी ने लिखा। हिंदी भाषा के पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मारतंड का प्रकाशन सन 1826 में कोलकाता से हुआ। हिंदी भाषा की पहली बोलती फिल्म आला मारा थी। हिंदी भाषा की पहली आधुनिक कहानी उसने कहा था थी। तो आज हमने क्या क्या सीखा? विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप मानव भाषा कहलाती है। ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण के मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, जो समझ में ना आया उसे डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।